त्रिपुरा हस्तनी विधानसभा चौंग मारी खुपला निर्वाचन बगे बीजेपी सेंडल मिस्टर तरह तरह त्रिपुरा फाइ सपैपेखा चिब्रे बदरगाट बीजेपी चौंग मारी बताने मीनारा सरकार न खुपलैने बगे विजय संकल्प सभा संसद जाखा और फैमानजा फैया सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आसामी मंत्री पीयूष हजारिका हस्तनी मंत्री अकला डॉक्टर मानिक शाह खुब गुबुन आदम मैं सड़क से निकल गुजर रहा था, मेरे साथ डॉक्टर मानिक शाह जी मौजूद थे। इसके पहले एक सभा को और संबोधित कर चुका हूं जब आ रहा था, तब पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव जी भी हमारे साथ। मैंने कहा कि मानिक शाह जी, त्रिपुरा पहले की अपेक्षा हमको बदला बदला सा लगा। बहनों भाइयों, पहले का भी ये अगरतला हमने देखा था, अगरतला में गंदगी थी, सड़कें अच्छी नहीं। अगरतला के कुछ मोहल्लों में भी गया था, लोग कहते थे साहब हमारे यहां कभी बिजली आती है कब चली जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिजली यहां की हम लोगों के साथ आंख भी चौनी कर दी है, यह बात है। लेकिन आज मैं अगरतला की सड़कों को देख रहा था बहनों भाइयों, और जिस प्रकार की सफाई की व्यवस्था हमने अगरतला में देखी, इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं डॉक्टर मानिक शाह को अपनी और उनकी पूरी सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई दे रहा हूं। इसके पहले भी जिस सार्वजनिक सभा को मैं संबोधित करने गया था, वहां पर भी मैंने देखा। मैं विप्लव जी से कह रहा था, विप्लव जी, इन 5 वर्षों में आप लोगों की सरकार ने तो करिश्माई काम कर दिया है। जनता के साथ मैं सीधी बातचीत कर रहा था, जनता जवाब दे रही थी। बहनों भाइयों, अब तो अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद का सिलसिला त्रिपुरा से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से समाप्त हो चुका है। कोई मां का लाल यदि उग्रवादी आतंकवादी वारदात करने के लिए सिर उठाने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हस्त्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छी तरह मालूम है। कानून और व्यवस्था की हालत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन त्रिपुरा में बेहतर हुई है, और बिना सुरक्षा के, बिना बेहतर कानून व्यवस्था के बहनों भाइयों, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो विकास नहीं कर सकता। विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यह यहां को त्रिपुरा में देखने को मिलता है। नहीं, पहले तो आए दिन अपहरण की घटनाएं होती थी, कब कौन उठा लिया जाएगा, कब किसकी हत्या कर दी जाएगी, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं थी। 2014 में आप लोगों ने केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, फिर से दोबारा आपने 2019 में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। बहनों भाइयों, परिवर्तन केवल आपको ही नहीं दिख रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं दिख रहा है, सारी दुनिया को परिवर्तन दिख रहा है कि भारत कहां जा रहा है। सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। मोदी जी ने करिश्माई काम किया। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरतापूर्वक सुनते नहीं थे, कहते थे भारत कमजोर देश है, हमारी बात को अनसुनी कर देते थे, एक कान से सुनते थे दूसरे कान से निकाल देते थे। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है भारत के ऐसे हालात सारी दुनिया में देखकर। अच्छी सरकार चलाने की कला इस हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है।
आप सभी बहनों भाइयों का मैं शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार, खलुंगा। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको बधाई देना चाहूँ। आप ये सोचेंगे किस बात की मैं बधाई दे रहा हूं, इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि त्रिपुरा के लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन त्रिपुरा के लोगों ने इस देश से, इस देश की मिट्टी से अपने रिश्ते को कभी टूटने नहीं दिया है। इसके लिए मैं त्रिपुरा की जनता को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। मैं लगभग 20 वर्षों से त्रिपुरा लगातार आता रहा हूं, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी हमने संभाली है, गृह मंत्री के रूप में भी केंद्र सरकार में काम कर चुका हूं। इसने नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से अच्छी तरह परिचित हूं। मैं त्रिपुरा के लोगों के बारे में कह सकता हूं कितनी मुसीबतें आपने झेली है, अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, आए दिन आयोजन लोगों की जाने चली जाती थी, व्यक्ति अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। इस त्रिपुरा में बहनों भाइयों, वह दिन भी हमने देखा है। 2018 का जब चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के दौरान भी यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं आया हुआ था और मेरा रोड शो भी यहां पर हुआ था। रोड शो में जनता का जो रेस्पॉन्स हमको मिला था बहनों भाइयों, मैंने उसी दिन कह दिया था 2018 में कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और इस बार जो मैं यहां पर भीड़ अपने आंखों के सामने देख रहा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप फिर से दोबारा डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए ही इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहां पर गुड गवर्नेंस, जो सुराज दिया है, उस सुराज को और कि 60 सीटों में 50 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। मान लें, जितने लोग यह मानने को तैयार हैं, जरा हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लें। यह दृश्य देखिए, यह दृश्य देखिए, और मैंने आज इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप लोगों ने 60-50 सीटों पर भी विजय दिला दी, पर मैं ही नहीं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी पुनः त्रिपुरा के अगरतला में आकर त्रिपुरा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आप सबके बीच में। सारे भेदभावों से ऊपर उठकर बहनों भाई, अब इधर उधर मत देखिए, अब इधर उधर देखने का समय नहीं है, अब सीधे देखने का समय। कौन देश का भला कर सकता है, कौन देश को ताकत दे सकता है, कौन देश का, कौन भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा कर सकता है, उसी को आपका वोट जाना चाहिए, उसी को आपका समर्थन जाना चाहिए। इसलिए मेरे कहने भाइयों, कमल का फूल, कमल के फूल का बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय दिलाइए। आप प्रत्याशी की तरफ मत देखिए, आप प्रत्याशी की तरफ मत देखिए, आप देखिए केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखिए। मेरे बहन भाई, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी में हो सकता है कुछ गुण हो, कुछ अच्छाइयां हो, कुछ कमियां भी हो सकती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीतेगा, मेरे बहन भाइयों,
यदि वह गड़बड़ करेगा भारतीय जनता पार्टी में रहकर बहनों भाइयों, तो भारतीय जनता पार्टी दूध की मक्खी की तरह निकालकर उसे बाहर करने में भी रणसमाचों का कोई नहीं। इसलिए मैं कह रहा प्रत्याशी मत देखिए, केवल देखिए कमल का फूल का। और आप जानते हैं लक्ष्मी जी भी यदि कहीं विराजती हैं तो कमल के फूल पर ही विराजती हैं। लक्ष्मी जी घर में भी आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठ कर आती। लक्ष्मी जी पंजा पर बैठकर घर में नहीं आती। लक्ष्मी जी तीर कमान लेकर घर में नहीं आती। लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठ कर आती। ये भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाइए, यही अपील करते हुए और एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए 100 मिलकर यदि सरकार बनाने की कोशिश करें तब भी परिणाम जीरो होने वाला है। और इस बार तो जैसा माहौल हमको देखने को मिल रहा है, इस पब्लिक मीटिंग में भी जैसा माहौल हमको देखने को मिल रहा है, बहनों भाइयों मुझे तो लगता है इस बार 60 में कहीं आप लोग 50 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। इस बार तो सारा रिकॉर्ड ही टूटने जा रहा है। किसी ने मुझसे कहा कि साहब यहां पर सीपीएम के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार यहां बन जाएगी तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। यहां भी होंगे कहीं पर सुन रहे होंगे लोग आए, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, इन सीपीएम के लोगों से कहो केरल में आपकी सरकार है क्या आपने वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है? मेरे सीपीएम के नेताओं, सीपीएम के दोस्तों, कांग्रेस के दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं राजनीति जनता के आंखों में धूल झोंककर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि हिम्मत है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की जानी चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम यदि लागू करने की बात अभी आप करते हो तो पहले केरल में तो लागू करो। थत्तीसगढ़ की बात तब जाकर लोगों को आपके ऊपर विश्वास होगा कि आप कर क्या रहे हैं। मैंने भाइयों यहां पर चिकित्सा मेडिकल की सुविधा, मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर मानिक शाह जी, आपने डेंटल कॉलेज शुरू करा दिया है, डेंटल हॉस्पिटल, आपको और आपकी सरकार को मैं बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों अभी रास्ते में हमसे मानिक शाह जी चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब मेरे दिल की तो बस एक ही हसरत है, इस बार यदि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, हमारी सरकार यदि बन जाए, एम्स के स्तर का एक यहां पर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए लोगों को चिकित्सा। ये बताइए जिस मुख्यमंत्री के दिल में इस प्रकार की तड़पन हो, जिस मुख्यमंत्री के दिल में इस प्रकार की आग हो, उसके राज्य का विकास होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहन हम तो सोचे भी नहीं थे कि त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य जहां पर की बात मुश्किल 35-40 लाख लोगों की आबादी है, वहां एम्स के स्तर का एक हॉस्पिटल बनाने के बारे में वहां का मुख्यमंत्री सोचे। जिस मुख्यमंत्री के दिल में आग होगी बहनों भाइयों वही जनता की सेवा कर सकता है। जिस मुख्यमंत्री के दिल में तड़पन होगी, लोगों की तकलीफों का, लोगों की कठिनाइयों का दर्द हो, वही ऐसी बातें सोच सकता है। मैं समझता हूं कि और इस प्रकार की कोई बातें कोई नहीं सोच सकता है। बहनों भाइयों मेरी केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है, बहुत सारी सुविधाएं दी और हमारे त्रिपुरा के लोगों को भी इस समय मिल पा रही हैं, यह बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। बहुत सारी सुविधाएं, मकान, आजादी हासिल किए हुए वर्षों गुजर गए, 70 साल, तब भी लोगों के पास मकान नहीं थे। त्रिपुरा के गांव में मैं गया हूं, त्रिपुरा के गांव में मैंने लोगों को झोपड़ी लगाकर एक झोपड़ी में 4-4, 5-5 परिवारों को रहते हुए मैंने देखा है। त्रिपुरा में वह दृश्य भी मैंने देखा है कि आधे समय परिवार के कुछ सदस्य घर में सोते थे, फिर वह जग जाते थे तो आधे समय शेष बचे परिवार के सदस्य उस घर में सोते थे।
हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री ने फैसला किया, चाहे जो भी हो जाए हम ऐसे हालात करेंगे, पैदा करेंगे कि हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत्र मुहैया हो जाए। और आज मैं त्रिपुरा में भी कहकर जा रहा हूं, जरूरत होगी फिर आऊंगा, कि मेरे बहन भाइयों जिनको जिन परिवारों को पक्का छत नहीं मिला होगा उनको पक्का छत यानी पक्का मकान मिलकर रहेगा कोई रोक नहीं। मैं कितनी सुविधाओं की चर्चा करूं, बहुत सारी सुविधाएं अपनी गवर्नमेंट ने, और ऐसे हालात केवल भारत में ही देखने को मिलेंगे, दुनिया के दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने विश्व बैंक के चेयरमैन ने भारत के इस करिश्मे की तारीफ की है, कहा है कि कोरोना के संकट से निपटने में जिस तरीके से प्रभावी कदम भारत की सरकार ने उठाया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अब कोरोना के संकट के दौरान लोग काम छोड़कर दिल्ली मुंबई कलकत्ता से अपने घरों की तरफ पैदल चल पड़े थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे हजार किलोमीटर की यात्रा पर पैदल निकल पड़े थे अपने घरों को जाने के लिए, लोगों के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए, कहां से भोजन मिलेगा, कहां से परिवार की परवरिश होगी, क्या होगा मासूम छोटे बच्चों का। बहनों भाइयों उस समय दुनिया का अकेला देश भारत था जिस भारत के प्रधानमंत्री ने यह संकट लिया कि जब तक यह कोरोना का संकट रहेगा और इस कोरोना के संकट का प्रभाव जब तक रहेगा हम मुफ्त राशन हर परिवार को मुहैया कराएंगे, मुफ्त राशन हर परिवार को मुहैया कराएंगे। और मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी इतने लोग बैठे हैं, अधिकांश लोगों के परिवारों को हर व्यक्ति को 5-5 किलो का राशन आज भी मुहैया हो रहा होगा, आज भी मुहैया हो रहा। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता कोरोना समाप्त हो जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि साहब मोदी जी अब लोगों को मुफ्त में राशन क्यों दे रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं मोदी जी बहुत ही संवेदनशील प्रधानमंत्री है, इसलिए लोगों को कोरोना समाप्त हो जाने के बाद भी आज भी मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि 2 साल तक जब उनके हाथों को काम नहीं मिला था, जब तक काम सबको नहीं मिल जाता है तब तक हम यह राशन मुहैया कराते रहेंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प, और ईमानदारी से बतलाइएगा कुछ परिवारों का तो मुझे मालूम है कि जो राशन आपको मिलता है उसमें से राशन खाने के बाद भी इतना बच जाता है कि लोग ले जाकर बेच देते हैं। यह ईमानदारी की बात है कि नहीं, ईमानदारी की बात है हाथ उठाकर बतलाइए सही है। बहनों भाइयों किसी सरकार में यह संभव नहीं, यह संभव है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी होगा जो यह संकल्प ले कि हमारे हिंदुस्तान में एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में शौचालय ना हो। यहां जितने लोग खड़े हैं मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं शायद ही कोई ऐसा घर बचा हो जिस घर में आज शौचालय न बन गया। यदि नहीं बना होगा तो 2024 समाप्त होते होते बहनों भाइयों एक भी घर जो बचे होंगे वह भी शेष नहीं बचेंगे जहां पर कोई शौचालय की व्यवस्था न हो, एक भी घर शेष नहीं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचती नहीं थी, अब पहुंचती भी थी तो गांव में बिजली चली जाती थी, लोगों के घरों तक बिजली नहीं पहुंचती थी। आज जब मैं लोगों से पूछ रहा था तो लोग कह रहे थे साहब केवल हमारे गांव में ही बिजली नहीं आती, हमारे घर में भी अब बिजली आने लगी है। ऐसे हालात इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का तरीका है। बहनों भाइयों हम लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए हम नहीं करते, यह CPM कांग्रेस यह राजनीति चाहे जैसे भी सरकार बननी चाहिए, यह सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राजनीति
केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि राजनीति देश बनाने के लिए करती है, समाज बनाने के लिए राजनीति करती है भारतीय जनता। इसीलिए हम लोग इस प्रकार के प्रभावी कदम उठाते हैं। कितनी घटनाओं की मैं चर्चा करूं, अभी मुझे जानकारी मिली कि यहां पर एक सज्जन प्रदीप किशोर देव वर्मा जी ने मुझे पार्टी बना ली त्रिपुरा माता। क्या मतलब? अरे कभी पार्टियां थी क्या मतलब? उन्होंने कहा अब क्या चाहते हैं वो एक शायद उनको भी नहीं मालूम है, लेकिन पार्टी बना ली। आज वैसी बात भाइयों का यहां तक सवाल है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को नहीं भूल सकती है। इस देश को आजाद कराने में हमारे आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे आदिवासी भाई। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में सारे देश में मनाने का फैसला किया है। और भगवान बिरसा मुंडा का यह जन्मदिन केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि दुनिया के जिस भी देश में हमारे भारतवासी रहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। आदिवासी समाज के लिए क्या काम किया है सीपीएम की सरकार ने, क्या काम किया है कांग्रेस की सरकार? पहले दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, आज हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यानी यह मान लिया है दोनों लोगों ने कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। अरे भाई, कांग्रेस भी जीरो अपने को मानती है, सीपीएम भी अपने को जीरो मानती है, तो जीरो और जीरो मिलकर कितना होगा? जीरो होगा। कहीं सूखी का तो इतना हवा होगा। गांव की तरफ चले जाइए तो सड़कें गायब, सड़कें यदि थी भी तो उन पर चलना बहुत ही कठिन काम था, कलेजा पकड़ के चलना पड़ता था, इतने गड्ढे थे, पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क। हालत यह हो गए, इस बार अच्छी अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ। मैंने यही कहा था कि सचमुच त्रिपुरा को ही नहीं, सारे हिंदुस्तान को हमारे प्रधानमंत्री ने एक हीरा दे दिया। हीरा, आप ये कहेंगे हीरा क्या होगा? HIRA, हीरा। यच से हाईवेज, आई से इंटरनेटवेज, आर से रोडवे रेलवे और ए से एयरवे, हीरा हो गया ना। यह हीरा त्रिपुरा को देने का काम हमारी सरकार ने किया। और इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग सहज तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ भी व्यापार कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हमारे त्रिपुरा के लोग कर सके। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि हम अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आसियान कंट्री के जो देश हैं उनके साथ हम सड़कों से जोड़े। अरे त्रिपुरा के लोग, मेरे नॉर्थ ईस्ट के बहनों भाइयों, अब आप रंगून और बैंकॉक के साथ भी सड़कों से जोड़ने के लिए जा रहे हैं। अपना कोई माल यहां तैयार करके कि दुनिया के दूसरे देशों में भेजना चाहते हो तो आप सड़कों के माध्यम से भेज सकते हो। यह व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है। अनानास को यहां क्या कहते हैं किस भाषा में? अनानास, यहां सड़ जाता खाना। आज बांग्लादेश जा रहा है, दुबई जा रहा है, जर्मनी तक जा रहा है, और इसके कारण यहां के किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। नहीं, पहले तो अनानास सड़ जाता था, इसका पता ही नहीं चलता था। अब जैसा मैंने कहा, रंगून और बैंकॉक तक जाने का भी आपका रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। पॉलिटिकल वायलेंस का जहां तक सवाल है मेरे बहनों भाइयों, वो तो लगभग अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब देखिए, गरीबों के लिए हमारी सरकार चिंता करने वाली कैसी है?
मैं अब जो प्रदीप किशोर जी हैं उनको मैं बतलाना चाहता हूं कि प्रदीप किशोर जी जिस आदिवासी भाइयों की आप बात करते हैं उन आदिवासी भाइयों कैसी हमारी सरकार चिंता करती है। 2014 तक आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए केवल ट्राइबल वेलफेयर के लिए केवल 21,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज सुनना चाहते हैं आप कितने का बजट है? सुनना चाहते हैं ट्राइबल आदिवासी भाइयों के लिए कितने का बजट है? पहले 21,000 करोड़ का था, अब 88,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। अब मुझे किसी ने बताया क्या हो गया है प्रदीप किशोर जी को? मेरी समझ में नहीं आता। लोग कह रहे थे कि प्रदीप किशोर जी देववर्मा कभी कभी कहते हैं हमको सिक्योर्ड लैंड चाहिए आदिवासियों, सिक्योर्ड लैंड सुरक्षित। अरे बहनों भाइयों प्रदीप जी इस बात को बोलिए बोलिए मत। इस देश ने हमारी एक आदिवासी बहन को, हमारी एक आदिवासी बहन को भारत का राष्ट्रपति इस देश ने बनाया है। कल्पना भी कोई नहीं कर सकता इतने दिनों तक कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों नहीं इस काम को लोगों ने किया? आज आदिवासियों का बतीहा बनने की कोशिश करते हैं। ये वो चुनाव में खड़ी थी, सारा देश उनको समर्थन दे रहा था राष्ट्रपति पद के लिए, ये कांग्रेस और सीपीएम के लोग विरोध कर रहे थे। ये लोग आदिवासी कल्याण की बात करते हैं। बहनों भाइयों राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई पंथ नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, राष्ट्र धर्म का पालन करता है। राजनीति की जानी चाहिए तो स्तर की राजनीति की जानी चाहिए, एक लेवल से नीचे उतरकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कहां ले जाना चाहते हैं लोग देश को? बहनों भाइयों आपको जानकर खुशी होगी जब कोरोना का संकट चला था सारे दुनिया की हालत इतनी पतली हो गई थी, इतनी पतली हो गई थी कि मंदी का दौर आ गया। लोगों ने कहा भारत भी यहां भी मंदी के दौर से अछूता नहीं रहेगा, भारत में भी मंदी आएगी ही आएगी। लेकिन जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसके प्रमुख अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इस मंदी के दौर में भी चमकता हुआ सितारे सतारे के रूप में भी कोई देश दिख रहा है तो उस देश का नाम है भारत है। यह करिश्मा आदि किसी ने किया है तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहनों भाइयों उनके नेतृत्व हमारी सरकार ने किया। आज हमारा भारत ये कमजोर भारत नहीं है, आज हमारा यह भारत ये दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। ऐसा नहीं है जो चाहे वो भारत को आंख दिखाकर चला जाए। मेरे बहन भाई वैसा भारत नहीं है। जो भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश करेगा क्या जवाब देना चाहिए हम उसकी कला भी जानते हैं और उसका जवाब देने का जज्बा भी हमारे अंदर है, हमारे दिलों में। सारी दुनिया मानती है क्या ऐसे देश का नागरिक होने पर हमको गौरव की अनुभूति नहीं होगी? पहले क्या हालत थी? अजीबो गरीब हालत भारत की हो गई। छोटी छोटी चीजों की चिंता हमारी सरकार ने की है। आयुष्मान भारत कार्ड, यहां जो लोग खड़े हैं बैठे इतनी बड़ी संख्या, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसमें बहुत सारे लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला होगा। ईमानदारी से जिनको आयुष्मान भारत कार्ड मिला होगा इसका हाथ उठा दीजिएगा। मेरे मीडिया के मित्रों देख लो आप पीछे, क्या कभी आपने कल्पना किया था कि इस देश में कोई ऐसी सरकार आएगी कि एक कार्ड दे देगी और कहेगी कि एक कार्ड दे दिया तुम्हारी यदि तबीयत खराब हो जाए तो 5,00,000 रुपए का तुम्हारा मुफ्त में इलाज किया जाएगा। यह व्यवस्था भी किसी ने की है तो क्या हमारी सरकार?
अब हिम्मत है चुनाव में किसी कि कोई राजनीतिक पार्टी हिंसा करने की को जरूरत है कर ले तो मैं देखूंगा कि माँ का दूध पिया है। बहन भाइयों, हिंसा का कोई स्थान नहीं, हिंसा का कोई स्थान नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं दोबारा, यदि यहां पर गुड गवर्नेंस को ताकत देना चाहते हैं, सुराज को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मेरे बहनों भाइयों एक बार बंपर सीटों पर विजय दिलाइए, यही अपील करने के लिए।